Lord, this is the seventh application for bail. Mm. 389 application, Lord. Yes. Lord, earlier two applications on merits were withdrawn. Mm. And other applications, not were for the temporary base. Mm. All right. This is third. This is the third application, Lord. Third application. Yes. What is your custody period? milord, i am in custody since the date of the judgment and during the trial, milord, as per the records uh, available on the website of the high court, the appellant was granted bail on 6-1-2012 and he was arrested on 12-6-2011. so during trial, he was. how in much is your custody period now? around, around milord, four years. four years, around four years. you are i am santosh singh milord. santosh right, yes the other person has been granted bail no milord. no they have not been granted babu alias Umesh. my lord there were initially three accused persons against other co-accused person a separate trial was conducted hmm. and a separate judgment was awarded because against these two accused persons charge sheet was subsequently filed

वह अपनी पत्नी व परिवार के तीन बच्चों तथा रिश्तेदार नागेश्वर द्विवेदी के साथ घर में था तभी ग्राम लौआ निवासी संतोष सिंह आया और उसके द्वारा उससे कहा कि बब्बू मिश्रा के भतीजे सत्यनारायण के मामले में समझौता करना है और उसे उत्तर दिशा की ओर ले जाकर अपनी बातों में उलझाए रखा तभी उसके घर में पश्चिम तरफ वाले दरवाजे में बब्बू मिश्रा उर्फ उमेश तथा रजन सिंह उसके घर में प्रवेश करने लगे तो उसकी पत्नी रमा देवी एवं उसके लड़के विजय ने घर में घुसने से मना किया तो अचानक उसे पश्चिम वाले गेट में दो फायर की आवाज सुनाई दी तब वह अपने घर के अंदर रखी हुई गन लेकर घर के पश्चिम गेट की तरफ दौड़ा और उसने देखा कि उसकी पत्नी रमा देवी व उसका लड़का विजय गेट के पास पूछ से लथपथ पड़े थे रज्जन सिंह व बब्बू मिश्रा भागते हुए दिखाई दिए तथा उन दोनों के हाथ में कट्टा था रज्जन सिंह मोटरसाइकिल से भागना चाहा तो उसके द्वारा गाड़ी के टायर में गोली मारकर पंचर कर दिया तथा बब्बू मिश्रा अपने भाई सत्यनारायण के घर तरफ भाग गया कुछ देर बाद अभियुक्त रज्जन संतोष सिंह व बब्बू व उसके अन्य सहयोगी संगठित होकर पुनः उस पर हमला करना चाहा तब वह अपने घर की छत पर जाकर आत्म आत्मरक्षा हवा में तीन चार फायर किया उसके लड़के पवन कुमार ने फोन से थाना व कंट्रोल रूम को सूचना जाने पर करीब घंटे बाद थाना सगरा की पुलिस पहुंच गई तब वह छत से नीचे आया और अपनी घायल पत्नी व लड़के को रीवा अस्पताल लाया किंतु उसके लड़के की मृत्यु हो गई है फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना रायपुर करचुलियान में अपराध क्रमांक एक सौ पचपन बटे दो हजार दस धारा तीन सौ दो तीन सौ पंजीबद्ध कर uh, दिनांक 26 सात को घटना स्थल पहुंच कर सुमेंट हो नाउ मिलो देयर वर टू इंजर्ड पर्सन वन ऑफ देम इज डिसीज्ड विजय एंड वन ऑफ देम मिलोड वाज इंजर्ड आई एम रेफरिंग टू द टेस्टिमनी ऑफ मिलोड इंजर्ड इंजर्ड विटनेस मिलोड इज आई विटनेस आई विटनेस आल्सो एंड इंजर्ड आल्सो पीडब्ल्यू शी इज आल्सो एन इंजर्ड पीडब्ल्यू फोर पीडब्ल्यू फोर मिलोड रजन सिंह मेरे घर कभी नहीं आते थे मेरे लड़कों की रजन सिंह से ना तो कोई दुश्मनी थी और ना ही कोई मेल मिला मेरे मृतक लड़के विजय सिंह कभी किसी विवाद किसी से विवाद नहीं हुआ संतोष सिंह और बब्बू से भी मेरे पति मेरा या मेरे मृतक लड़के विजय का किसी प्रकार का विवाद नहीं था और ना ही कोई लड़ाई थी नाउ मिलोड नेक्स्ट पैराग्राफ मिलोड आई एम रेफरिंग टू इस पैराग्राफ नंबर फिफ्टीन मिलोड मैं पश्चिम वाले कमरे से बाहर नहीं गई मैं उत्तर वाले कमरे में नहीं गई और पश्चिम वाले कमरे में रह गई जहां पर मेरे साथ घटना थी यह बात सही है कि मैंने संतोष सिंह को घर आते हुए नहीं देखा संतोष सिंह किससे और कैसे आया शिवानंद से क्या बात हुई कब तक रुके और क्या बात हुई यह मैंने नहीं देखा यह बात सही है कि पश्चिम वाले कमरे में घटना के समय या पश्चिम वाले दरवाजे के पास ना तो मैंने संतोष सिंह को आते हुए देखा और ना ही जाते हुए देखा नो मिलोर यह सही है कि मैं खुद पश्चिम वाले दरवाजे में जाकर यह नहीं देखी कि कौन व्यक्ति आया है मैंने संतोष सिंह को घर तरफ आते हुए और घर से जाते हुए नहीं देखा यह yeah, सही है कि संतोष सिंह ने कोई घटना कारित नहीं की थी और ना ही वह घटना में शामिल थी सर्वेश शर्मा संतोष मिश्रा घटना से पहले मेरे घर आ चुके थे उनका मेरे घर में आना जाना लगा संतोष मिश्रा घटना से पहले मेरे घर आ चुके थे उनका मेरे घर में आना जाना लगा रहता था जब उनका काम मेरे पिताजी के पास रहता था तब वे मेरे पिताजी के पास आते जाते थे संतोष सिंह का मेरे पिताजी से प्रेम पूर्वक व्यवहार था और वह मेरे घर आते जाते थे घटना दिनांक संतोष सिंह अलग से मेरे घर आए थे और उन्होंने मेरे पिताजी को बुलाया था और पिताजी के घर के अलग उत्तर वाले कमरे में बैठकर बात कर रहे थे संतोष सिंह मेरे पिताजी प्रेम पूर्वक बात कर रहे थे जब घटना हुई तब बब्बू मिश्रा और रजन सिंह एक साथ पश्चिमी तरफ से आए थे जब वे आए तब मेरे पिताजी और संतोष सिंह पश्चिमी कमरे वाले कमरे में बात कर रहे थे घटना में संतोष सिंह ना तो पश्चिमी वाले कमरे में आए ना वे पश्चिमी वाले कमरे में प्रवेश किए संतोष सिंह को मैंने उत्तर वाले कमरे में जाते हुए नहीं देखा वे कब आए यह भी नहीं देखा मेरे पिताजी ने पश्चिम वाले कमरे व वा दरवाजे में कोई गोली नहीं चलाई मेरे घर की चौड़ाई लगभग फिट व लंबाई पच्चीस फिट होगी मैंने आरोपी गढ़ को पकड़ने की कोशिश नहीं की जब मेरी माँ और भाई पश्चिम वाले दरवाजे तरफ खड़े थे तो वो सटे हुए खड़े थे घटना के समय पश्चिम वाले कमरे में बहुत सामान था जैसे बिस्तर पेटी मोटरसाइकिल आदि था मैंने कमरे की दीवार पर खून के फैलाव को नहीं देखा मेरा भाई और मेरी माँ जहां पर गोली लगी वहां गिर गए थे मैंने उन्हें नहीं उठाया था बाद में जब पुलिस आई तो उन्होंने मेरे भाई और मेरी माँ को घटना स्थल से हटाया था यह कहना सही है कि मेरे पिताजी घटना के समय पश्चिमी वाले कमरे में आवाज सुनकर घर के अंदर वाले दरवाजे से बंदूक के साथ पश्चिमी वाले कमरे में आए थे तब संतोष सिंह बाहर ही था मैंने संतोष सिंह को नहीं देखा कि वह घटना के समय कहाँ था मैंने संतोष को मोटरसाइकिल से भी घर आते समय नहीं देखा था मुझे छोटे भाई ने बताया था मैंने संतोष को पिताजी से बात करते हुए देखा था संतोष की मेरी पिताजी से कोई रंजिश व लड़ाई नहीं थी नेक्स्ट पैराग्राफ मिलोड़ संतोष पश्चिमी वाले कमरे के घटना के समय घटना के पहले व घटना के बाद नहीं आए थे मुझे ऐसा लगता है कि संतोष सिंह भी योजना में शामिल थे इसलिए उनका नाम प्रकरण में लिखवाया था नो रेफरिंग टू यह सही है कि विवेचना के दौरान संतोष सिंह का घटना में सम्मिलित होने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं पाई थी अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट आया है कि अभियुक्त बब्बू उर्फ उमेश मिश्रा एवं रजन सिंह घातक आयुध कट्टों से लैस होकर फरियादी पक्ष के घर गए थे और बिना किसी प्रकोपन के तुरंत ही कट्टों से फायर करना घटना कारित की है। का यह आचरण उनके सामान्य आशय का परी, परी है, जो कि स्पष्ट करता है कि गण सामान्य आशय की रचना कर उसके अग्रसन में घटना कारित करने हेतु स्थल पर गए थे इसलिए प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किए गए कृत्य के लिए प्रतिनिधित्व उत्तरदायित्व के आधार पर दूसरा सह अभियुक्त समान रूप से उत्तरदायी है अर्थात प्रकरण में आईपीसी की धारा चौंतीस के अंतर्गत प्राव, प्रावधानित कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का सिद्धांत भी सिद्ध होता है अगेंस्ट मिलोट अदर अगेंस्ट मी दैट इज व्हाट द ट्रायल कोर्ट मिलोट डिस्कसिंग पैराग्राफ 54 मिलोट निर्णय के कंडिका वार की उपरोक्त विवेचना से आहत व चतुर्थ साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी रमा शर्मा चक्षुदर्शी साक्षी पवन शर्मा सर्वेश शर्मा एवं शर्मा एवं शिवानंद की प्रत्यक्ष चक्षुदर्शी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त बब्बू उर्फ उमेश मिश्रा द्वारा सह अभियुक्त रजन सिंह के साथ मिलकर मृतक विजय शर्मा उर्फ रिंकू पर अग्नाय से फायर कर उसकी पीठ से कारित की है

बब्बू और उमेश मिश्रा का भतीजा है के साथ फरियादी का विवाद था और घटना को अभियुक्त संतोष सबसे पहले उत्तर दिशा वाले दरवाजे की तरफ आया और उसने शिवानंद को बुलाया उसके साथ सत्यनारायण वाले प्रकरण में समझौते ही चर्चा की जिसे शिवानंद ने अस्वीकार कर दिया संतोष ने शिवानंद से बातचीत बातों में उलझाए रखा तभी पश्चिम की ओर से दूसरे दरवाजे पर अभियुक्तगण आए और उन्होंने घटना कारित की यद्यपि इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि अभियुक्त संतोष ने घटना में कोई गोली नहीं चलाई है किंतु यह घटना स्थल पर उपस्थित रहा घटना के बाद भी उसका ऐसा कोई आचरण नहीं रहा जो गन, जो कि कि गण घटना स्थल पर उसकी उपस्थिति को स्वाभाविक बताता हो घटना में अभियुक्त संतोष सिंह की परिस्थिति से अपराधी की है यह अपराधी की उपस्थिति उन व्यक्तियों का उत्साह संरक्षण और समर्थन प्रदान करती है जो वास्तविकता में अपराध कारित करने में व्यस्त रहे इस प्रकार यह सहयुक्त भी अपराध में शामिल होता है जो घटना स्थल पर केवल खड़ा रहता है और प्रतीक्षा करता है कि किसी ढंग की में सहयोग कर सकता है द 67 पैरा 67 ट्रायल कोर्ट आल्सो अप्रिशिएट द कॉमन इंटेंशन ऑफ hmm. द प्रेजेंट अपील एंड माय लॉर्ड यह भी उल्लेख किया है कि समान आशय से कोई प्रत्यक्ष साक्ष नहीं नहीं हो सकती क्योंकि समान अर्त्मान, अर्त्मान की बात है इसे संबंधित व्यक्ति के द्वारा प्रकरण में किए गए आचरण उसके कृत की घटना की परिस्थिति को छोड़कर जोड़कर इंगित किया जा सकता है अभियुक्त संतोष का उपरोक्त वर्णित आचरण एवं सहयुक्त बब्बू और उमेश मिश्रा व रजन के कृत से प्रकट होता है तीनों ने घटना पूर्व घटना करने के संबंध में मानसिक मिलन हुआ अपने अपने कृत्य के अनुसार वह घटनास्थल पर आए अभियुक्त संतोष पहले आकर फरियादी सेवानंद से बातचीत करने लगा और कुछ समय पश्चात से अभियुक्त ने आकर घटनाकारित की जो कि अभियुक्तगण की मानसिक स्थिति के मिलन का प्रत्यक्ष परिचायक है अभियुक्त संतोष सिंह की ऐसी कोई प्रतिरक्षा नहीं है कि वह अभियुक्त के आशय या उनके घटनास्थल पर अग्नियुद्ध से सुसज्जित होकर आने व घटनाकारित करने का ज्ञान नहीं था That's so, the that present applicant is with the intent, uh -huh. he is present on the spot. In the previous occasion my lord has considered the uh, a case on, uh, on a merits. merits. When We're the not. malad is inclined to not grant the bill, they have below the petition, my lord. No, but merits have not my been lord. considered. Merits have been considered, please tell us. No. So, Mr. council you are not inclined. Lord, uh, allow me to lord explain my lord the complainant in the so once we say we are not inclined we are not inclined there is no question of any argument further otherwise we will we'll pass an order on merits if i will seek have the liberty to withdraw right lord i will seek permission to after arguing for a while and a counsel for the appellant prays for and is permitted to withdraw i guess which accordingly stands this